एस की भर्ती नहीं आती है और तमाम दूसरी नौजवानों की बड़ी शिकायतें रहती हैं। मामा जी मुख्यमंत्री जी एक तरफ ऐलान कर रहे हैं रोजगार का, क्या वो अपने नौजवान मित्रों को जिनके वो मामा हैं ये आश्वासन दे सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से पिछली सारी भर्तियों को पूरा किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि इसी मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर भी बहुत चर्चा हुई है, इल्जाम लगे हैं, कार्रवाइयां हुई हैं, कि भविष्य में एक ऐसा रोड मैप बने, ऐसी फुल प्रूफ चीज बने कि नौजवान लड़के लड़कियों को अपने हिस्से की नौकरी के लिए अंतहीन इंतजार ना करना पड़े। अभी जो मैंने आपको जॉब्स की बात कही है, पिछले दिनों सम्मानी कोर्ट के फैसलों के कारण कुछ चीजें अटकी थी, अब उसमें से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और 1,00,000 सरकारी जॉब के साथ साथ स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से लगभग 32,00,000 रोजगार के अवसर सृजित करने का वाकायदा रोड मैप। कुछ तो भर्तियां हो ही गई है, 15,000-20,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई है, अभी पुलिस की भर्ती अभी 6,000 चली रही है, ये शुरू हो रही है, कुछ इसके पहले हुई। ये पिछले वर्षों में अगर आप देखेंगे तो अकेले पुलिस हमारे पुलिस की जो भर्तियां हुई है वो ही लगभग 40,000 से लेकर 50,000 के आसपास हुई है पहले मेरे शासनकाल में। शिक्षकों की भर्ती हुई है लगभग 2,00,000 मेरे शासनकाल में। आगे फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए मैंने जो कहा है बच्चों को हम रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे, और मैंने कहा था कि धन के अभाव में प्रतिभा कुंठित ना हो इसके भी इंतजाम करेंगे, बच्चे पढ़ते रहें और प्रदेश को भी आगे बढ़ाते रहें, ये हमारी कोशिश है।